Good morning, students. So today we will study the banking part. As I discussed till money part, now today we will study the banking part. So in the banking, first what is commercial bank? ठीक है, आपका commercial bank क्या होता है? Banks में भी आपके classification होते हैं, जैसे commercial bank होता है, central bank होता है. तो now let's first we will discuss the commercial bank. Commercial banks आपके क्या होते हैं? वो financial institutions होते हैं जो public से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जहाँ जो पब्लिक जो क्या करती है, बैंक्स में पैसा डालते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक का भी मेन मोटिव क्या होता है? एक प्रॉफिट अर्निंग होता है. और जो हमने डिपॉजिट कर रखा है पैसा, उनको क्या कहते हैं? जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको एज अ इन द फॉर्म ऑफ लोन उनको लोन प्रोवाइड करती है. ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट हमें देती है बैंक सेविंग का, वो इंटरेस्ट रेट लोन से कहीं हद तक कम होता है. लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और जो सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका कम होता है. फिर इसके बाद आता है आपका फंक्शंस ऑफ बैंकिंग. ठीक है, फंक्शंस आते हैं आपके कमर्शियल बैंक की. पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. एक्सेप्टिंग मतलब बेसिक फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, कि आपका क्या करना, पैसा एक्सेप्ट करना फ्रॉम दी कस्टमर्स. ठीक है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको बैंक में रखना. जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं. जैसे आपके, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सेविंग अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट्स में पैसा डालते हैं. कुछ होते हैं एफडी करते हैं, तो उसका भी अकाउंट अलग होता है. बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट होता है. ठीक है, आरडी अकाउंट होते हैं, बहुत अकाउंट होते हैं. फर्स्ट आता है आपका सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट्स मतलब कि आपका जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं. उसके बाद आता है आपका फिक्स अकाउंट. फिक्स अकाउंट मतलब कि हमने पैसा डाल रखा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए. ठीक है, 1 लाख अमाउंट हमने 5 साल के लिए एफ डी कर दी. क्यों एफ डी की जाती है? रीज़न है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कंपेरिजन टू सेविंग. फिर आता है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट. इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में बेसिकली डिपॉजिटर कभी भी पैसा निकाल सकता है एनी टाइम. ठीक है, थ्रू चेक, चेक के थ्रू कभी पैसा निकाल सकता है. अब इसमें क्या होता है, बेसिकली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप इस अकाउंट में, कि आप एक दिन में इतना पैसा निकालो, आपको इतना, इतनी लिमिट है, ये है. बिजनेसमैन अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए ये क्या करते हैं, करंट अकाउंट यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़ीरो होता है, नहीं मिलता इसमें बिल्कुल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड फंक्शन आता है ग्रांटिंग लोन. फर्स्ट फंक्शन था आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और सेकेंड आता है आपका ग्रांटिंग लोन्स. लोन्स मतलब कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो पैसा एक्सेप्ट किया है जनरल पब्लिक से, फिर उसी पैसे को कहाँ देता है, लोन में देता है. ठीक है, जो रेट ऑफ आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेविंग में मिलता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, और लोन में जो आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक वो बहुत ज़्यादा होता है. फिर आता है आपका थर्ड एजेंसी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन मतलब कि बेसिक फंक्शन इसका है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फंक्शन आता है वो आता है एजेंसी. इट एक्ट एज एजेंट, एजेंट की तरह काम करता है. देखो, बैंक में मोस्टली कुछ काम होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, खुद ही अपना आप ही डिडक्ट. जैसे हमने लोन लिया है तो लोन की ईएमआई क्या होती है, अपना आप ही कट जाती है. हम लोग नहीं जाते पैसा देने वहाँ कि लो आप मेरा पैसा इतना काटो. तो एज अ एजेंट वो क्या कर रहा है, हमारा पैसा काट रहा है. ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शंस आते हैं. जैसे आपका पहला आता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स. बैंक ही तो काम करता है, एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं तो थ्रू डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ये किसी के भी थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे क्या कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ फंड कस्टमर के बिहाफ में क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है थ्रू चेक्स के थ्रू कलेक्ट करता है. और हमारा जैसे थर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, डिविडेंड मिलता है, या कुछ भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब क्या कर रहा है, बैंक ही तो कलेक्ट कर रहा है. तो हमारे बिहाफ में सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, बैंक कर रहा है. फिर उसका आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बिजनेस कम्युनिटी बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मतलब कि ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है. जैसे आपको, लेट्स से मैंने कुछ सामान खरीदा, तो मैंने उधार पे खरीदा और मैंने जिससे सामान खरीदा उसको एक कागज़ पकड़ा दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. ठीक है, मैंने इनको बोला कि आप 3 महीने बाद आना मेरे पास, मैं फिर आपको 1 लाख रुपये दे दूँगी.
तो बीच में क्या हुआ कि जो पर्सन को मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया उसको नीड पड़ गई एकदम कि मुझे पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, तो वो मेरे पास ना आके सीधे डायरेक्टली क्या किया, बैंक में गया, बैंक से क्या करा उसने कागज़ पकड़ाया और बैंक ने उनको क्या कर दिया, पेमेंट करा। लेकिन जब बैंक ने पेमेंट करा तो बैंक ने पूरा 1 लाख अमाउंट नहीं दिया होगा, कुछ लेट से 1000 रुपये उसमें एक रेट होता है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट होता है कि हाँ उसको कुछ पैसा काट के उनने उनको दे दिया। लास्ट आता है आपका अदर फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस। अदर फंक्शन और जनरल यूटिलिटी मतलब कि क्या है अदर फंक्शन, देखो बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग आर अकाउंट, हमारे अकाउंट के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फिर आपका परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, कोई बाहर काम कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग बाहर काम, तो हम करेंसीज को एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, बैंक्स के थ्रू ही करते हैं। तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक।